हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। मोहाना से अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां गढ़ी नामदरखा के गांव में दो भाइयों में मामूली कहासुनी को लेकर झगड़ा हुआ और देखते ही देखते लड़ाई में लाठी डंडे के साथ साथ कुल्हाड़ी से भी हमला किया गया। हमले में दोनों परिवारों के 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसमें दो महिलाएं भी शामिल हैं, जिन्हें खानपुर महिला मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया है। वहीं झगड़े का कारण घर के बाहर थूकना बताया जा रहा है। वहीं नरेश ने बताया कि उसके भाई के साथ कई सालों से झगड़ा चल रहा था। उसी बात को लेकर सोमवार को दिन के समय उसका बेटा नीरज जब घर आ रहा था, तो उसके भाई के बेटे अनिल के साथ उसके बेटे की कहासुनी हो गई और झगड़ा ज्यादा बढ़ गया। फिलहाल पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जाँच शुरू कर दी है। जी ये हमारे साथ कई साल हो गए झगड़ा कर रहे हैं और ये थूकते है हमारी दुकान है। हम गाड़ में जाते हैं तो हमारे तरफ लगा के थूकते और हंसते हैं और हमारे खींच के डाते हैं ताकि हम गुस्सा हो जाए और उनके साथ रोला कर ले। मेरे भाई का छोटा सा बच्चा इनकी पैडियों में बैठ गया था, उसके बाद इसमें से एक नीरज नाम का लड़का है, उसने उससे बोला यहाँ से चले जाओ, मैं तेरे को मार दूंगा, ये कर दूंगा। हाँ। तो मैं वहाँ से अपने भाई के लड़के को उठा लाया ताकि ये मार ना दे, तो उसके बाद हमारी हाथापाई हो गई।